मैं अपने पेज के कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उसमें आप लोगों ने कॉमन ये क्वेश्चन किया है कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो घुटने की तकलीफ में मुब्तला हैं और उनकी अर्ली स्टेज है, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 है। क्योंकि अक्सर हम लोग आप लोगों को बता रहे होते हैं कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिससे घुटने की कार्टिलेज की इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, घुटने की कार्टिलेज दोबारा रिकवर हो सकती है और घुटना आपका बेहतर हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो स्टेम सेल अफोर्ड भी नहीं कर सकते और वैसे भी अर्ली स्टेज के पेशेंट्स हैं। तो ऐसे पेशेंट जो अर्ली स्टेज आर्थराइटिस के हैं, जिनका भी आर्थराइटिस स्टार्ट हुआ है, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो स्टेम सेल ही कराएं। तो उनके लिए अल्टरनेट क्या है कि पीआरपी थेरेपी। हम पीआरपी से भी उनको क्योर दे सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल लाजमी नहीं कि आप स्टेज 1 और स्टेज 2 में स्टेम सेल कराएं। स्टेम सेल जब थोड़ा और ज़्यादा आपका एडवांस आर्थराइटिस होता है तो उसके अंदर रेकमेंड किया जाता है। तो बेहतर ये है कि मेरा मशवरा ये होता है कि पहले से डिसाइड कर लेना कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, हमें क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए। बेहतर ये है कि पहले एक बार आप ओपीडी विजिट कर लें, तो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपके घुटने की स्टेज के मुताबिक क्या आपके लिए स्टेम सेल फायदेमंद रहेगा, क्या आपके लिए पीआरपी फायदेमंद रहेगा। दोनों ट्रीटमेंट में काफ़ी वास्ट फर्क है इनकी कॉस्ट के लिहाज से, तो पहले से ही मायूस होकर बैठने की जरूरत नहीं है। बेहतर ये है कि एक बार ओपीडी में विजिट कर लें और अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, ताकि हमें पता चल सके और आपको ये प्रॉपर पता चल सके कि आपके लिए पीआरपी जरूरी है या स्टेम सेल जरूरी है।